मिश्ताक में तकरीबन 4 साल से हूँ और इस साल में मैंने क्लाइमेट चेंज के बारे में सीखा है, ऑनलाइन अर्निंग के बारे में सीखा है और डिबेट के बारे में सीखा है और मैंने टैलेंट शो में एक स्पीच भी की थी क्लाइमेट चेंज के बारे में। और मुझे मिश्ताक आए 4 साल हुए, मैं बहुत खुश हूँ, मैंने बहुत सीखने को मिला है मिश्ताक में और आगे भी मैं ये सब कुछ सीखूंगी। और क्लाइमेट चेंज के बारे में मैंने सुना है ऑनलाइन अर्निंग के बाद, पहले जो मुझे नहीं आते थे ये क्लास 9 तक आए थे लेकिन ये स्कूल में नहीं सिखाया जा रहा था, मिश्ताक के आने से मैंने सब कुछ सीख लिया है। मेरा नाम हलीमा मोहम्मद अनीस है, मैं क्लास 1 प्री मेडिकल की स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ मिश्ताक फाउंडेशन में तालीम हासिल करती हूँ। यहाँ पे जब से मैं आई हूँ मैंने बहुत कुछ सीखा है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो कि बहुत डाउन था वो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अप हो चुका है। अब यहाँ पे हमने समर कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है जहाँ पे हमें बहुत सी चीज़ों को सीखने का मौका मिल रहा है, जैसे कि हमने क्लाइमेट चेंज के बारे में सीखा है, हमने ऑनलाइन लर्निंग के बारे में सीखा है और डिबेट वगैरह के बारे में हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली है। अभी आगे हमारा कोई कॉम्पिटिशन होगा, हमने आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में सीखा, फिटनेस ट्रेनिंग हमारी होगी, आज मैंगो डे का सेलिब्रेशन है उसको भी हम अच्छी तरह से इन्जॉय कर रहे हैं और हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। इंशाल्लाह हम आगे भी ऐसे बहुत कुछ सीखते जाएंगे। समर कैंप 2019 में लगाया क्योंकि मैं मानती हूँ कि जब तक हम एक्टिविटीज़ बच्चों में नहीं कराएंगे, ऐसी सरगर्मियाँ नहीं होंगी तो बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते, तो उसमें हमने 30 डेज़ का लगाया था, बाहर से ट्रेनर्स बुलाए थे इस वजह से ताकि वो बच्चे बहुत मोटिवेट हों। और क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ पर एक्टिविटीज़ नहीं होते थे, हम मेंटली डिस्टर्ब होते थे, तो समर कैंप की वजह से बच्चों में एक नया जज्बा आ जाता है तो वो इन्वेंट करना स्टार्ट करते। लास्ट टाइम हमने नहीं लगाया था ड्यू टू कोविड, तो इस साल हमने 15 डेज़ का लगाया है। वो इसलिए लगाया है कि ताकि कोविड की वजह से बच्चे, मतलब बच्चों पे कितना असर था, मैं खुद बहुत सफ़र कर चुकी हूँ, तो इस बार हमने 15 डेज़ का लगाया ताकि इससे बच्चे मोटिवेट हो और उनको पता चले कि बाहर से भी लोग आ रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं और आज आप देख रहे हैं कि हम मैंगो डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे अपने लोग भी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, लास्ट टाइम भी रऊफ अंकल ने ही मैंगो डे अरेंज कराया तो इस साल भी उन्होंने ही अरेंज कराया, तो हमें बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू। देखिए जी, ये मिश्ताक फाउंडेशन जो माइन बलोच जो चला रही है लियारी के अंदर, जो छोटे छोटे बच्चों को बेसिकली जो है वो एजुकेशन के हवाले से इसका मकसद है कि उसको हम बच्चों को एजुकेशन दें, इनको पढ़ाएं। और इसके अलावा जो हर साल जो ये समर कैंप माइंड बलोच लगाती है यहाँ पर, तो ये हम इसका मैं खुद भी मेंबर भी हूँ मिश्ताक फाउंडेशन का, तो इसमें बच्चों को एक अवेयरनेस मिलती है, बच्चों को एक्टिविटीज़ होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, फ़ाइन आर्ट के हवाले से, सिंगिंग के हवाले से। इस तरह से आज हमने मैंगो डे बनाया है तो उसमें यह है कि जितना हम इसमें पार्टिसिपेंट करेंगे उतना बच्चों के लिए हौसला अफजाई होगी। और मैं तो चाहूँगा कि लियारी के अंदर और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वो आएँ इस प्लेटफॉर्म पे और जो है हेल्प करें मिश्ताक फाउंडेशन की और आएँ कोलैबोरेशन करें इनके साथ, ताकि बच्चे भी को भी हौसला मिले और इनको भी थोड़ा सा सपोर्ट मिले ताकि एक अच्छा प्रोग्राम, बड़ा प्रोग्राम कर सके इसके लिए। और मैं रऊफ साहब की बेटी हूँ और ना हम लोग जब से ये समर वेकेशन स्टार्ट हुआ है हम लोग इसका हिस्सा होते हैं और पिछले साल कोविड की वजह से, पेंडेमिक की वजह से नहीं हो सका था, तो इससे पिछले साल भी हमने किया था और इसीलिए करते हैं ताकि बच्चों के बीच अवेयरनेस पैदा हो कि मैंगो हमारे पाकिस्तान में बहुत अहमियत रखता है जी। और इसी तरह हम हमेशा सेलिब्रेट करते हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। समर कैंप इस साल 15 डेज के लिए रखा था 15 जून से, तो हर साल रखते हैं। समर कैंप रखने का मकसद ये है बच्चों को ज़रा इंफॉर्मेशन भी मिले और एंटरटेनमेंट भी मिले। इस समर कैंप का मोटिव ये है कि बच्चों को इंफोटेनमेंट दें जी। मैंगो डे जारी है।